अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट इन। आइए रुख करते हैं अब तक के कुछ खास खबरों की ओर। नीदरलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी जीती। हमास के गढ़ में इजरायली सेना गाजा सिटी को चारों ओर से घेरा। जहर के खेल में फंसे अलविश यादव FIR दर्ज। यूट्यूबर ने कहा मेरे ऊपर लगे आरोप गलत। पाकिस्तान में 17 लाख अफगानियों पर गर्जा बुलडोजर। ईरान के नशा मुक्ति केंद्र में लगी भीषण आग, 27 लोगों की जलने से मौत। अब खबरें विस्तार से। वनडे विश्व कप 2023 में आज एक और अहम मुकाबला है। अफगानिस्तान और नीदरलैंड के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच खेला जाना है। अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी दोनों की राह में काफी मुश्किल है। अभी की बात की जाए तो अफगानिस्तान की टीम 6 मैचों में 3 मैच जीतकर 6 अंक हासिल कर चुकी है और छठे स्थान पर है। वहीं नीदरलैंड ने अभी तक 6 मैचों में 2 जीत चुकी है और उसके पास 4 अंक है। टीम इस वक्त 8वें स्थान पर है। आज अगर अफगानिस्तान की टीम जीत दर्ज करती है तो पाकिस्तान से आगे निकलकर सीधे नंबर 5 पर पहुंच जाएगी। हमास का खात्मा करने के लिए इजरायल सेना गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इजरायली ग्राउंड फोर्स ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर रखा है और ये हमास को खत्म करने के उसके अभियान का केंद्र बिंदु है। इसके अलावा जैनिन शहर में भी इजरायली सेना ने भीषण हमला किया है। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल के PM नेतन्याहू ने कहा हम लड़ाई के चरम पर हैं, हमें प्रभावशाली सफलताएं मिली हैं और हम गाजा शहर में आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास का प्रमुख नेता इस्माइल हनिया अपने निजी प्राइवेट जेट से ईरान के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहा है। बिग बॉस OTT 2 विनर अलविश यादव बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अलविश के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई है। बिग बॉस OTT के विनर पर क्लबों और पार्टियों में सांपों की बाइट प्रोवाइड कराने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तान से 17 लाख अफगानी शरणार्थियों को रुखसत कर दिया गया है। उन लोगों के पास वहां रहने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उनको अपने मुल्क लौट जाना पड़ा। अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ईरान के एक नशा मुक्ति केंद्र में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई है। इस घटना में आरंभिक तौर पर 27 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट इन।